The topic we will be discussing in this video is GFR, that is Glomerular Filtration Rate. इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम इस पूरे टॉपिक को डिफरेंट सब हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे जिसमें हम लोग ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी को एक बार और रिवाइज़ करेंगे जिसमें हम लोग रीनल ब्लड फ्लो एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट कैलकुलेट करना सीखेंगे रिलेशन बिटवीन द रीनल ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन कंजम्पन देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो देखेंगे उसके बाद हम लोग ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेमब्रेन को हम लोग अच्छे से समझेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द जी हम लोग देखेंगे फिर यूज़ ऑफ द क्लियरेंस फॉर द फॉर द मेजरमेंट ऑफ जी एंड रीनल ब्लड फ्लो हम लोग देखेंगे फिजोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द जी एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो हम लोग देखेंगे एंड फाइनली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेगुलेशन ऑफ द जी देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद अवर फर्स्ट सब हेडिंग दैट इज़ द ब्लड सप्लाई टू द किडनी पिछले वीडियो में हम लोग ने एक ओवरव्यू देखा था ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी में किडनी का जिसमें हमने देखा था कि कैसे रीनल आर्टरी हाइलम के थ्रू एंटर करती है फिर ये डिवाइड करती है सेगमेंटल आर्टरी में वो डिवाइड करता है इंटर लोबर आर्टरी में इंटर लोबर आर्टरी फाइनली अर्कुएट आर्टरी बनाती है आर्कुएट आर्टरी से इंटर लोबुलर आर्टरी निकलता है जो कि एफरेंट आर्टेरियल बनाता है और ये एफरेंट आर्टेरियल हर एक नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस बनाता है और फाइनली ईफरेंट आर्टेरियल के फॉर्म में वो निकल जाता है और फिर वो जो टिब्यूल्स होते हैं उनको सराउंड करते हुए एज अ पेरी ट्यूबुलर कैपरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है टोटल दोनों किडनीज़ जो होते हैं वो मिल करके 20 टू 25 परसेंट ऑफ द कार्डिक आउटपुट रिसीव करता है हमारे बॉडी का जितना भी ब्लड होता है उसका 20 टू 25 परसेंट जो होता है कार्डिक आउटपुट का वो हमारी किडनीज़ रिसीव करती हैं किडनी के अंदर भी जो हमारा किडनी का कॉटेक्स वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा ब्लड रिसीव करता है विद रिस्पेक्ट टू द मेड्यूला इसलिए कभी भी बॉडी के अंदर स्टीमिया अगर डेवलप होता है या फिर किडनी के अंदर स्टीमिया अगर डेवलप होता है तो मेडुला जो होता है वो ज़्यादा वेलोरेबल होता है फॉर डेवलपिंग एस्टेमिया तो ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे रीनल ब्लड फ्लो एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो के बारे में रीनल ब्लड फ्लो जो होता है वो 20 टू 25 परसेंट ऑफ द कार्डिक आउटपुट होता है ये हम लोग को पता है तो ये जो रीनल ब्लड फ्लो की जो वैल्यू आ जाती है वो 1250 मिलीलीटर पर मिनट आ जाती है मतलब अगर हम लोग कार्डिक का आउटपुट को का अगर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट मतलब अप्रोक्सीमेटली 22 परसेंट लेते हैं तो वो वन मिलीलीटर पर मिनट आ जाता है जो कि रीनल ब्लड फ्लो होता है ये एक अपने में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अब ये जो रीनल ब्लड फ़्लो होता है पूरा का पूरा ब्लड जो कि हमारे किडनीज़ के अंदर एंटर करता है वो पूरा का पूरा ब्लड फ़िल्टर नहीं होता है ब्लड का ब्लड में से जब हम लोग सेलुलर कंपोनेंट निकाल लेते हैं जैसे कि ब्लड सेल्स निकाल देते हैं तो जो प्लाज्मा बचता है सिर्फ़ और सिर्फ प्लाज्मा जो होता है वो फिल्टर होता है क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ रीनल ब्लड का सिर्फ़ और सिर्फ रीनल प्लाज्मा फिल्टर होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस जो होता है वो रीनल प्लाज्मा फ्लो का ज़्यादा होता है रीनल ब्लड फ़्लो से अब ये रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है तो रीनल प्लाज्मा फ़्लो जो होता है वो 55% परसेंट ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो होता है मतलब हमारे किडनीज़ के अंदर जितना भी ब्लड आया उस ब्लड में से 55% परसेंट जो होता है प्लाज्मा होता है और वो जो प्लाज्मा होता है उसकी वैल्यू आ जाती है 65 मिलीलीटर पर मिनट जो कि हमारे रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है मतलब हमारे किडनीज़ के अंदर पर मिनट 625 मिलीलीटर प्लाज्मा एंटर करता है ये रीनल प्लाज्मा फ्लो कैसे आया तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला होता है रीनल ब्लड फ्लो इज इक्वल टू रीनल प्लाज्मा फ्लो इंटू वन माइनस वन अपॉन वन माइनस हिमाटोक्रेट हमारे बॉडी का हिमाटोक्रेट जो होता है नॉर्मल ऑन एन एवरेज फोर्टी फाइव परसेंट होता है जो कि वैरी करता है थर्टी एट से लेकर के फोर्टी सिक्स परसेंट तक या फिर फोर्टी एट परसेंट तक तो ऑन एन एवरेज फोर्टी फाइव परसेंट हिमाटोक्रेट होता है इसको जब इसमें पुट करते हैं हम लोग और रीनल ब्लड फ्लो को वन टू फाइव जीरो मिली लीटर परमिनट पुट करते हैं तो रीनल प्लाज्मा फ्लो की वैल्यू ऑन एन एवरेज सिक्स ट्वेंटी फाइव मिली लीटर परमिनट आ जाती है तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज दैट इज रीनल ब्लड फ्लो मतलब कितना ब्लड रिसीव करती है किडनीज दैट इज़ वन टू फाइव जीरो मिली लीटर पर मिनट और रीनल प्लाज्मा फ्लो मतलब उसमें से प्लाज्मा कितना होता है मतलब प्लाज्मा कितना रिसीव करती है किडनीज जो कि होता है सिक्स ट्वेंटी फाइव मिली लीटर पर मिनट ये दोनों वैल्यूज याद करना इंपॉर्टेंट है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कन्सेप्ट देखते हैं दैट इज द रिलेशन बिटवीन द रीनल ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन ये जो रीनल ब्लड फ्लो जो होता है उसका एक रिलेशन होता है ऑक्सीजन कंजम्पशन पे जो कि डिपेंड करता है सोडियम एब्जॉर्प्शन पे सोडियम के रीअब्जॉर्बन पे एक्चुअली में मतलब हमारी जो किडनीज होती हैं वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगी वो डिपेंड करता है कि उन किडनीज के अंदर प्रेजेंट जो नेफ्रॉन्स है वो कितना सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं अब अगर रीनल ब्लड फ़्लो मतलब कि किडनीज के अंदर पहुंचने वाला ब्लड ही अगर कम होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक बेसिक आइडिया तो हम लोग को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का होगा कि ऐसा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये बताता है कि, कि कितना फिल्टर कितना फिल्टर ब्लड पहुँच रहा है कितना ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है नेफ्रॉन से उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं तो अगर ब्लड किडनीज के पास ही कम पहुँच रहा है दैट इज़ रीनल ब्लड फ्लो ही अगर कम है तो उसका फिल्ट्रेशन भी कम होगा मतलब जी एफ आर दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा तो अगर जी एफ आर कम होगा तो ऑब्वियस ये बात है कि उसके अंदर जो सोडियम प्रेजेंट होगा वो उसका फिल्ट्रेशन भी कम होगा सोडियम का फिल्ट्रेशन कम होगा तो सोडियम का री भी कम होगा क्योंकि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा टिब्यूल्स uh, होते हैं दैट इज़ हम लोग का जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनका मेनली तीन काम होता है एक तो ये फिल्टर करने का, का काम करते हैं दूसरा सिक्रीशन का काम करते हैं और तीसरा री का काम करते हैं मतलब जो भी फ्लूड फिल्टर होता है हमारे ग्लोमेरुलस से और टिब्यूल्स में आता है टिब्यूल्स में आने के बाद उसमें से कुछ कंपोनेंट जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है वापस ब्लड में और कुछ कंपोनेंट जो होता है वो और ज़्यादा सिक्रीट होता है तो अगर सोडियम का फिल्ट्रेशन ही कम हुआ है तो सोडियम का जो री होना है आगे टिब्यूल्स में वो भी कम होगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन का और यही सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्ट डिपेंडेंसी शो करता है हमारा ऑक्सीजन कन्ज्पन पर अगर सोडियम का रीअब्जॉर्पन कम होगा तो हमारी किडनीज़ जो होगी वो ऑक्सीजन कम कंज्यूम करेगी तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो होता है वो किडनीज़ के थ्रू वो ज़्यादा होता है ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था जितना अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज द डिटर्मिनंस ऑफ़ द रीनल ब्लड फ्लो रीनल ब्लड फ्लो जो होता है हमारा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रीनल आर्टरी प्रेशर माइनस रीनल वेन वेन प्रेशर मतलब रीनल के आर्टरी में जितना प्रेशर है और रीनल के वेन में जितना प्रेशर है उसका जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल रीनल वस्कुलर रेजिस्टेंस से तो हम लोगों को रीनल ब्लड फ्लो का पता चलता है तो मतलब अल्टीमेटली रीनल ब्लड फ्लो के तीन डिटर्मिनेंट होते हैं पहला तो एक होता है रीनल आर्टेरियल प्रेशर रीनल वेनस प्रेशर और टोटल रीनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस रीनल आर्टेरियल प्रेशर जो होता है वो सिमिलर टू सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर होता है हमें पता है हमारा सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर जो होता है वो वन ट्वेंटी बाई एट्टी मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑन ऑन एन एवरेज होता है तो रीनल आर्टेरियल प्रेशर भी हमारे सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर के सिमिलर होता है रीनल वीनस प्रेशर जो होता है तुम्हारा वो लगभग थ्री टू फोर मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है जो कि ये रीनल वीनस प्रेशर होता है और टोटल रीनल वस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है एक तो इंटर लोबुलर आर्टरी पे डिपेंड करता है ईफ्रेंट आर्टेरियल पे डिपेंड करता है और ए आर्टेरियल पे डिपेंड करता है अब जब भी इन आर्टरीज का कंस्ट्रक्शन होगा तो सिंपल सी बात है कि जब भी आर्टरीज का कंस्ट्रक्शन होगा तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड उसके अंदर फ्लो कम होगा तो रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो अगर इंटर लोबुलर आर्टरी का अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ईफ्रेंट आर्टेरियोल का अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ईफरेंट आर्टेरियोल का अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा सिमिलरली अगर इनका डायलिटेशन हो जाता है इनमें से किसी का भी तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है

इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज जीएफआर उसको समझने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन नेक्स्ट सब टॉपिक जो कि एक इंपोर्टेंट सब टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन का ये एक स्लाइड है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमने जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर जिसमें हमें पता है कि ये जो होता है वो बोमेंस कैप्सूल होता है ये ग्लोमेरुलस होता है तो एफरेंट आर्टेरियोल आती है एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है ब्लड का जो भी प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वो फिल्टर होता है इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू और ये फिल्टर होकर के एंटर करता है बोमेंस कैप्सूल में और बोमेंस कैप्सूल से एंटर कर जाता है ये कहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर ये पूरा का पूरा फिल्ट्रेट हो जाएगा जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी के थ्रू फिल्टर होकर के आया है तो इसलिए इस फिल्ट्रेट को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और ये फ़िल्ट्रेशन किस रेट से हो रहा है इसी को तो हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यहाँ से फिल्टर होने के बाद ये जो ब्लड होता है वो इफरेंट आर्टिकल से निकल जाता है और ये जो फिल्ट्रेट होता है वो पूरा का पूरा नेफ्रॉन में जाता है थ्रू द डिसडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ एंडली असेंडिंग लूप ऑफ फेंडली फिर डिस्टल कॉन्बिलेटेड टिब्यूल और फाइनली ये कलेक्टिंग uh, डेट में चला जाएगा अब ये जो फिल्ट्रेट होता है ये जैसे ही मूव करता है पूरे के पूरे नेफ्रॉन में तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि इसके अंदर दो प्रोसेस और होती है पहला प्रोसेस तो फिल्ट्रेशन का हो गया इसी में हम लोग कहते हैं रीअब्जॉपन और सिक्रीशन का भी प्रोसेस होता है क्योंकि हमने देखा था कि जो नेफ्रॉन होता है उसको सराउंड करते हैं वेसल्स जो वेसल्स इसको सराउंड करते हैं जिसको हम लोग पेरी ट्यूबुलर कैपले नेटवर्क भी कहते हैं उन वेसल्स में इन फिल्ट्रेट का कुछ पोर्शन जो होता है कुछ पार्ट जो होता है फिर कुछ आ, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं इन फ़िल्ट्रेट से क्या होते हैं रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं उन वेसल्स के अंदर और साथ ही साथ कुछ और कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो कि उन फिल्ट उन वेसल से सिक्रीट होती है हैल फिल्ट्रेट के अंदर तो ये हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे बट हमें बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि यहाँ पे तो टोटल तीन प्रोसेस होता है दैट इज़ एक तो फिल्ट्रेशन होगा और बाकी पूरे कैपिल पूरे टिब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्बन और सिक्रेशन चलता रहेगा तो फिल्ट्रेशन को समझने के लिए हमारा जो बेसिक यूनिट ऑफ़ फिल्ट्रेशन हो जाएगा वो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन ही हो जाएगी जहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है फ़िल्ट्रेशन हो रहा है तो ये जो ब्लड फ़िल्टर होगा तो ये कैपिलरी मेम्ब्रेन से जो फिल्टर हो रहा है इस फिल्ट्रेशन सारा ब्लड तो फिल्टर नहीं हो जाता है कुछ ही पार्ट ऑफ द ब्लड फ़िल्टर होता है तो ये जो पार्ट ऑफ द ब्लड फ़िल्टर होता है इसका मतलब कोई ना कोई बैरियर है फिल्ट्रेशन के लिए जो ये डिटरमाइन करता है कि क्या पार्ट फिल्टर होगा और क्या पार्ट फिल्टर नहीं होगा तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे अब इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन की अगर हम लोग पार्ट्स की बात करें लेयर्स की बात करें तो टोटल तीन लेयर होता है जो कि मिलकर के ये पूरा का पूरा बैरियर बनाती है सबसे अंदर की तरफ एंडोथीलियल लेयर है क्योंकि ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है ये एक ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल की लाइनिंग को हम लोग एंडोथीलियम कहते हैं तो अंदर की तरफ एंडोथीलियल सेल होगी इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्रेन होगा और ये जो लेयर है वोमेंस कैप्स्यूल की जो कि जिनके अंदर जो सेल्स होंगी उनको हम लोग कहेंगे पोडोसाइट्स तो टोटल तीन लेयर होता है एक एंडोथीलियल सेल की लेयर होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और एक पोडोसाइट होता है एंडोथीलियल सेल की जो लेयर होती है उसके बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग फेनेस्ट्रेशन कहते हैं और जो पोडोसाइट्स होते, है, होते हैं ये पोडोसाइट्स के अंदर बहुत सारे फुट प्रोसेसेस होते हैं ये फुट प्रोसेसेस ऑफ द पोडोसाइट्स एक पोडोसाइट का फुट प्रोसेस और दूसरे पोडोसाइट का मतलब एडजस्टन पोडोसाइट का जो फुट प्रोसेस होगा उसके बीच में जो स्पेस स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग स्लिट डायफ्राम कहते हैं तो स्लिट स्लिट डायफ्राम बेसिकली एक स्पेस होता है बिटवीन द फुट प्रोसेस ऑफ द एडजशन पोडोसाइट तो ये एक uh, ये एक uh, ग्लोमेलर कैपलेरी मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है अब इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोमलर कैपिलेरी मेम्ब्रेन से फिल्टर होने वाले जो भी प्लाज्मा होता है फिल्टर होने वाला जो भी प्लाज्मा होता है मतलब फिल्टर होने वाला जो भी ब्लड होता है उस ब्लड में से कभी भी सेलुलर कंपोनेंट और प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होता है सेलुलर कंपोनेंट जैसे कि मेनली आरबीसी प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर वो कभी भी फिल्टर नहीं होगा इन ग्लोमेरल कैपिलरीज के थ्रू और ना ही प्रोटीन्स कभी फ़िल्टर होगा इन ग्लोमेरल कैपिलरी के थ्रू प्रोटीन्स क्यों नहीं फिल्टर होते हैं इसका रीज़न जानना जरूरी है तो ये हम लोग आगे समझ में आ जाएगा कि ये क्यों नहीं फिल्टर होते हैं ये दोनों कम्पोनेंट फिल्टर नहीं होने का रीज़न ये है कि ऑब्वियसली बात है कि इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में बहुत सारे बैरियर्स प्रेजेंट हैं जो कि इन कंपोनेंट्स को फिल्टर नहीं होने दे रहे हैं सबसे पहला बैरियर होता है साइज बैरियर ये जो फेनेस्टेशं प्रेजेंट होते हैं एंडोथीलियस सेल के बीच में ये एक स्मॉल गैप होता है जिसका साइज़ लगभग फोर टू एट नैनोमीटर होता है और इन फेनेस्टेशन के थ्रू लार्ज मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहला बैरियर हो जाता है साइज बैरियर क्योंकि फेनेस्ट्रेशंस का साइज़ इतना स्मॉल है कि लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ये पास नहीं होने देता है दूसरा रीजन होता है चार्ज बैरियर ये जो पूरा का पूरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी होता है ये पूरा नेगेटिवली चार्ज होता है एंडोथीलियल सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोटोसाइट सबके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है मेनली ये नेगेटिव चार्ज होता है वो ड्यू टू द प्रोटीग्लाइकेन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हेपेरिन सल्फेट इसके कारण ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है और हमें पता है कि प्रोटीन्स भी निगेटिवली चार्ज होते हैं तो अगर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन आएंगे यहाँ फ़िल्टर होने के लिए तो ये उनको रेपल कर देगा जिनकी वजह से प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तीसरा एक ये दोनों तो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न होता है तीसरा एक और रीज़न होता है दैट इज़ स्लिट डायफ्राम विच इज फॉर्म्ड बाय द फूड प्रोसेस ऑफ द ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है पोटोसाइट्स के बीच में उनको फूड प्रोसेस उनको स्लिड डायफ्राम कहते हैं और ये भी अलाउ नहीं करते हैं प्रोटीन्स को इनके इस कैप ग्लोम कैपलरी बैरियर के थ्रू पास होने का तो टोटल तीन कंपोनेंट होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि क्या चीज फिल्टर होगा और क्या चीज फिल्टर नहीं होगा द फर्स्ट इज द साइज बैरियर द इज द चार्ज बैरियर एंड थर्ड इज द द स्लिट डायफ्राम सो दिस अबाउट कैपिलरी दिसर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द डिटरेंट ऑफ जी एफ आर नाउ कमिंग टू द डिटरेंट ऑफ द एफ आर जी एफ आर को डिटरमाइन करने के लिए मेनली दो फैक्टर होते हैं पहला स्टार्टिंग फोर्सेस होता है और दूसरा एक कोफिशेंट होता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशियंट कहते हैं ये जो स्टार्लिंग फोर्सेस होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को दैट इज़ एन तो अल्टीमेटली जो ग्लोमेरल फिल्ट्रेशन रेट होता है उसका फार्मूला होता है के एफ इंटू एन मतलब जी जो होगा वो दो डिटरमिनट्स हो गए उसके एक हो गया एन दैट इज़ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो कि डिपेंड करता है स्टार्डिंग फोर्सेज पर और दूसरा हो जाएगा के दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन को एफिशियंट एन एफ पी दट इज नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्डिंग फोर्सेज पर डिपेंड करता है और स्टार्लिंग फोर्सेज जो होते हैं वो वैसे फोसेज होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं अब कोई भी फिल्ट्रेशन हो गए इसे एक बेसिक डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी uh, 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 है और ये एक सॉरी ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है और ये एक वोमेंस कैप्सूल है तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से वोमेंस कैप्सूल तक टोटल फिल्टर होना है हमारे ब्लड को तो ब्लड को फिल्टर होने के लिए बहुत सारे सपोर्टिंग या फिर फेवरिंग फोर्सेस होंगे जो कि उस ब्लड को ग्लोमेरुलर कैपिलरी से वोमेंस कैप्सूल की तरफ धक्का देंगे या फिर पुश करेंगे और कुछ अपोजिंग फोर्सेस होंगे जो कि रोकेंगे उस फिल्ट्रेट को दैट इज दैट इज़ ब्लड को फिल्टर होने से फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज टू द वोमेंस कैप्सूल तो कौन कौन से फेवरिंग फोर्सेस होते हैं और कौन कौन से अपोजिंग फोर्सेस होते हैं फेवरिंग फोर्सेस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फोर्स होता है दैट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जिसको हम लोग पीसी से डिनोट करते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड होगा ब्लड होगा तो इफरेंट आर्टेरियल और इफरेंट आर्टेरियन से आता हो ये ब्लड है जो कि बीच में ग्लोमेरुलर कैपलेरीज है और इन यहाँ पे ब्लड है तो ब्लड एक फ्लुड है फ्लूड है तो उसका एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट होता है वो सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है फिर कुछ अपोजिंग फोर्सेज भी होते हैं ये ऑंकोटिक प्रेशर ऑफ द वोमेंस कैप्सूल जनरली जीरो होता है ये क्यों होता है अभी हम लोग समझेंगे कुछ अपोजिंग फोर्सेस भी होते हैं जिसमें से सबसे पहला फोर्स हो जाएगा दैट इज़ ओंकोटिक प्रेशर ऑफ़ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज सी ऑंकोटिक प्रेशर कभी भी लगता है तो वो प्रोटीन की वजह से लगता है प्रोटीन जहाँ पे भी होगा उसका एक नेचुरल टेंडेंसी होगा अपनी तरफ पानी या फिर अपनी तरफ फ्लूड को अट्रैक्ट करने का तो अगर प्रोटीन अब, अब अ, बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि प्रोटीन ग्लोमेरुलर कैपिलरी में प्रेजेंट होगा या फिर स्पेस में प्रेजेंट होगा यस ऑब्वियसली इट विल बी प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज क्यों क्यों वोमेंस स्पेस में नहीं प्रेजेंट होगा क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वोमेंस स्पेस मतलब में कभी भी मतलब फ़िल्ट्रेशन में कभी भी प्रोटीन्स जो होता है वो फिल्टर होकर के नहीं आता है तो फिल्टर प्रोटीन अगर फिल्टर होकर के नहीं आएगा तो वोमेंस स्पेस में वोमेंस स्पेस वो, वो में या फिर वोमेन कैप्सूल में प्रोटीन नहीं होगा प्रोटीन कहाँ पे होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरी में होगा और प्रोटीन का टेंडेंसी होता है क्या फ्लूइड को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करने का तो जो पाई बी पाई सी लगेगा दट इज द ऑंकोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमरल कैपिलरी वो किस डायरेक्शन में लगेगा अपोजिंग फोर्सेस मतलब वो क्या करेगा हाइड्रोस्टेटिक uh, प्रेशर जो वो क्या करेगा कि फ्लूड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा मतलब कि फिल्ट्रेशन को वो प्रिवेंट करेगा तो एक अपोजिंग फोर्सेस में पहला फोर्स होता है दट इज द ओंकोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमरल कैपलरी जिसकी वैल्यू थर्टी टू मिलीमीटर ऑफ मरकर होता है और इसीलिए ओंकोटिक प्रेशर इन द वोमेंस कैप्सूल दैट इज पाई बी जीरो था क्योंकि यहाँ पे दैट इज बोमेंस स्पेस में प्रोटीन नहीं प्रेजेंट था और प्रोटीन प्रेजेंट नहीं था तो वो फ्लूड को अपनी तरफ नहीं खींचता जिस वजह से ये ओंकोटिक प्रेशर इन द वोमेंस कैप्सूल जीरो है और अपोजिंग फोर्स में जो दूसरा फोर्स काम आता है दट इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द वोमेंस कैप्सूल वोमेंस कैप्सूल में क्योंकि फ्लुड फिल्टर होगा फ्लुइड फिल्टर, फिल्टर होगा तो फ्लुइड अपना प्रेशर लगाएगा दैट इज द पी बी दट इज एटीन मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो कि बन सके ना अपोजिंग फोर्स होगा तो टोटल दो फेवरिंग फोर्स हैं और दो अपोजिंग फोर्सेस हैं जिसमें से एक फेवरिंग फोर्स काम करता है दैट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरल कैपिलरीज जिसकी वैल्यू 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है और दो अपोजिंग फोर्सेस हैं जिसमें से ओंकोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमरल कैपिलरी की वैल्यू होती है थर्टी मिलीमीटर ऑफ मरकरी और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द दुमन्स कैप्सूल की वैल्यू होती है एटीन मिलीमीटर ऑफ मरकरी अब हम लोग को अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना है तो सिंपल है दैट इज़ फेवरिंग फोर्सेस में से अगर हम लोग अपोजिंग फोर्सेस को माइनस कर देंगे तो जब हम लोग पी सी प्लस पी बी में से माइनस कर देंगे पाई सी प्लस पी बी को तो हमारा वैल्यू टोटल आ जाता है टेन मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड यस दिस इज अम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू टेन मिली ऑफ मर्कर होती है इस टेन मिलीमीटर ऑफ मरकरी को अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा जी का जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है वन ट्वेंटी पर मिनट और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो फिल्ट ये जो फ़िल्ट्रेशन कोफिशियंट होता है ये प्रॉपर्टी होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी की ग्लोमेरुलर कैपिलरी की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी पर डिपेंड करता है कि हमारा जी कैसा होगा दैट इज़ हमारा के कैसा होगा तो टोटल जी की जो वैल्यू आ जाती है विथ कैलकुलेशन दैट इज़ वन ट्वेंटी पर मिनट जो कि हम लोगों को याद रखना है सो दीज द डिटर्मिनेंस ऑफ द जी एफ आर इसके बाद जी एफ आर और आर पी एफ जो हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं ये वैल्यू जो आई जी एफ आर की ये कैसे आई तो उसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ क्लियरेंस नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द यूज़ ऑफ क्लियरेंस टू क्वांटिफाई जी एफ आर 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 बी एफ ये जो ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट और रीनल ब्लड फ्लो है ये हम लोग कैसे मेजर करते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर या फिर किसी भी पर्सन के अंदर अब ऐसा तो है नहीं हम लोग जी एफ आर इज इक्वल टू के एफ इन टू एन पी एफ डालते तो कोई पर्सन आएगा तो हम लोग उससे बोलेंगे कि आप अपना नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बताइए और हम उसका के एफ निकालेंगे और फिर उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जी एफ आर हमें पता चलेगा ऐसा तो होता नहीं है तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए ताकि हम लोग जी एफ आर और ब्लड फ़्लो को मेजर कर सके तो क्लियरेंस सबसे पहले होता क्या है क्लियरेंस जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा दैट इज क्लियर ऑफ अ सब्सटेंस बाय अ बाय द किडनीज़ पर यूनिट टाइम मतलब हमारी वो वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा जिसको हमारी किडनीज़ क्लियर करती है पर यूनिट टाइम में मतलब प्लाज्मा को का कोई वॉल्यूम होगा जिसको हमारी किडनीज़ पर यूनिट टाइम क्लियर करती है उसको निकालने के लिए जो हम लोग एक यूनिट का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्लियरेंस कहते हैं ठीक है तो अल्टीमेटली इसके इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इन्यूलिन का किडनी का एक इनिन के साथ एक खासियत ये होती है कि जो हमारा किडनी होता है वो इस इन को कम्प्लीटली फ़िल्टर करता है मतलब अगर ये एक वोमेंस कैप्सूल है और ये एक टिब्यूल है और यहाँ पे हमें पता है कि तीन प्रोसेस होता है एक तो फिल्ट्रेशन होता है जो ग्लोमेलो फिल्ट्रेट आता है उसमें से कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ चीज़ें वापस सिक्रीट हो जाती है तो ये टोटल तीन प्रोसेस चलता रहता है अगर इन हमने अगर किसी पेशेंट को दिया है तो वो वो जो होगा वो कम्प्लीटली फ़िल्टर हो जाएगा मतलब कि वो ब्लड से पूरा का पूरा इन नेफ्रॉन्स के अंदर आ जाएगा मतलब इनोलिन जो होगा वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा फ्रॉम द प्लाज्मा मतलब इनोलिन का क्लियरेंस पूरा है ये तो हमें पता है कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा तो प्रोसीजर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पेशेंट को आई वी इनुलिन दिए आई वी इनुलिन देने के बाद उसका जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन हो जाएगा इनुलिन का वो लेट सपोज पी हो जाएगा वो किडनीज के अंदर जाएगा और किडनीज के अंदर उसका टोटल फिल्ट्रेशन हो जाएगा टोटल फिल्ट्रेशन हो जाएगा मतलब क्या होगा कि वो पूरा का पूरा इनुलिन हमारे प्लाज्मा से क्लियर हो गया तो क्लियरेंस इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं अब क्लियरेंस ये कैसे निकालेंगे इनुलिन का तो इनुलिन का क्लियरेंस निकालने के लिए हम लोग यूरिन में जो इनुलिन का कंसनट्रेशन हम लोगों को दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द यूरिन से और उसको डिवाइड कर देंगे प्लाज्मा इनुलिन कंसनट्रेशन से जो प्लाज्मा में इनुलिन कंसनट्रेशन है तो जब हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्लियरेंस ऑफ द इनुलिन निकाल सकते हैं तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं क्लियरेंस ऑफ द इनुलिन का जो फार्मूला होगा या फिर क्लियरेंस का जो फार्मूला होगा वो यू वी बाई पी होगा जिसमें यू का मतलब होता है यूरिन इनुलिन कंसनट्रेशन बी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द यूरिन एंड पी का मतलब होता है प्लाज्मा इनोलिन कंसनट्रेशन जब हम लोग क्लियरेंस ऑफ द इनोलिन निकाल रहे हैं और ये क्लियरें क्लियरेंस इनोलिन का जब हम लोग क्लियरेंस की हम लोग बात करेंगे तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बराबर हो जाएगा क्योंकि जितना प्लाज्मा से क्लियर हो रहा है वो पूरा का पूरा फिल्टर हो जा रहा है इसीलिए तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि क्लियरेंस ऑफ द इनोलिन इज इक्वल टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और जब ये निकाला गया इसमें रख करके तो हम लोगों को मिला वन ट्वेंटी फाइव मिलीलीटर पर मिनट तो यहाँ से जी का जो वैल्यू आता है वन ट्वेंटी पर मिनट आ जाता है कि हमने पेशेंट के अंदर आई वी दिया उसके बाद उसमें यूरिन में इनुलिन कंसनट्रेशन कितना था उसको मेजर किया वॉल्यूम ऑफ द यूरिन मेजर किया और प्लाज्मा में इनुलिन कंसनट्रेशन था उसको मेजर किया और फिर ये फार्मूला लगाया तो हमारा जी आ गया दैट इज़ 125 मिलीलीटर पर मिनट तो देर फॉर हम लोग को ये तो पता चल गया कि इनुलिन जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर मेजरिंग जी एफ आर क्योंकि ये फ्रीली फ़िल्टर हो रहा है इसका सिक्रीशन नहीं हो रहा है ना ही इसका रीअब्जॉपन हो रहा है तो जितना फिल्टर हो रहा है वो सारा का सारा यूरिन में अपेयर हो जा रहा है बट ये इनुलिन इतना बड़ा प्रोसेस हम लोग करेंगे हर पेशेंट के अंदर ताकि हम लोग जी एफ आर कैल्कुलेट कर सकें तो ये उतना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा इसलिए जो प्रैक्टिकल मेथड होता है जी एफ आर मेजरमेंट का वो हम लोग प्लाज्मा क्रिएटिनिन का करते हैं प्लाज्मा क्रिएटिनिन जो होता है वो भी इसी फार्मूला से हम लोग दे सकते हैं जी एफ आर इज इक्वल टू यू वी बाई पी अगर प्लाज्मा क्रिएटिनिन हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा दिख रहा है इसका मतलब है कि जी एफ आर हमारे बॉडी का कम हो चुका है मतलब हमारी किडनीज अफेक्टेड है तो ये एक प्रैक्टिकल मेथड होता है जी एफ आर मेजरमेंट का तो इस तरह से हम लोग जी एफ आर को क्वान्टिफाई कर सकते हैं बाई यूजिंग द क्लियरेंस ऑफ इन्यूलिन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रीनल ब्लड फ्लो को हम लोग कैसे क्वान्टिफाई कर सकते हैं बाई द यूज़ ऑफ क्लियरेंस अब हम लोगों को ये बात तो समझ में आ गई कि क्लियरेंस जो होगा वो जी के इक्वल हो जाएगा जब सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन हो रहा है कोई सिक्रीशन और कोई रि नहीं हो रहा है जैसा हमने देखा एक टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इन्यूलिन के केस में क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगा जी से अगर देर इज़ ए नेट सिक्रीशन सिंपली अगर फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट जो निकल रहा है वो तो फिल्ट्रेशन तो हो ही रहा है प्लस साथ ही साथ उसमें सिक्रीशन भी पूरा हो जा रहा है इसका मतलब क्या है कि जो क्लियरेंस है जो क्लियर हो रहा है प्लाज्मा से वो ज़्यादा क्लियर हो रहा है देन जी तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है पैरा एसिड और क्लियरेंस अगर कम है जी से मतलब जितना फिल्टर हो रहा है उसमें से कुछ कुछ क्या हो रहा है रीअब्जॉर्ब भी हो जा रहा है जिस वजह से प्लाज्मा उतना क्लियर नहीं हो रहा है बट फिल्ट्रेशन ज़्यादा था तो जी एफ इज़ ग्रेटर दैन क्लियरेंस मतलब कि नेट रीअब्जॉर््शन हो रहा है इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल हो जाता है ग्लूकोज तो ये तीन टिपिकल एग्जाम्पल्स हो जाते हैं तीन केसेस बन सकते हैं क्लियरेंस और जी के रिलेशन में अब क्योंकि पैरा एमाइनो हैप्योरिक एसिड जो होता है वो ऑलमोस्ट कम्पलीटली सिक्रीट हो जाता है इनटू द रीनल डिप्यूज सी पैरा एमिनो हैप्योरिक एसिड के साथ क्या हो रहा है कि इसका फिल्ट्रेशन तो हो रहा है बट फिल्ट्रेशन के साथ साथ क्या हो जा रहा है इसका रीनल ट्यूब्यूल्स में सिक्रीशन भी हो रहा है जिस वजह से जो प्लाज्मा से जो प्लाज्मा से जो पैरा एमायनो हिप्यूरिक एसिड हो रहा है वो क्लियर ज़्यादा हो रहा है जी एफ आर तो नॉर्मल जी एफ आर था यहाँ पर और यहाँ पर सिक्रीशन भी हो रहा है इसका तब जा करके ये पूरा का पूरा एक्सक्रीट हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि जी एफ आर कम है और क्लियरेंस ज़्यादा है तो यही तो रीजन था इसका कि पैरा पैरामाइनो हिप्यूरिक एसिड में ये केस हमने देखा दैट इज द जी एफ आर इज लेस देन क्लियरेंस तो पैरा एमाइनो हिप्योरिक ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सिक्रट हो जाता है इनटू द रीनल टिब्यूल्स इसीलिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फॉर रीनल प्लाज्मा फ्लो मेजरमेंट तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर रीनल प्लाज्मा फ्लो मेजरमेंट क्या होता है दैट इज पैरा एमाइनो एसिड क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली सिक्रट हो जाता है इन द रीनल टिब्यूल्स अभी जो इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है सिक्स ट्वेंटी फाइव मिली लीटर पर मिनट मतलब क्लियरेंस अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग पैरामाइनोहिप्योरिक एसिड का मतलब पैरामाइनोहिप्योरिक एसिड का यूरिन कंसनट्रेशन अगर हम लोग देखेंगे और उसको वॉल्यूम ऑफ द यूरिन से मल्टीप्लाई करके और फिर डिवाइड करेंगे प्लाज्मा पैरा एमाइनो हिप्यूरिक एसिड कंसनट्रेशन से दट इज़ यू वी बाई पी फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो उससे इफेक्टिव आर पी एफ जो आ जाता है हमारा वो सिक्स ट्वेंटी फाइव मिली लीटर पर मिनट आ जाता है जो कि एक्चुअली में क्लियरेंस ऑफ द पैरा एमाइनो हिप्योरिक एसड है दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क अब क्योंकि हमने देखा कि पैरामाइनो एप्यूरिक एसिड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली सिक्रेटेड होता है ऐसा नहीं हंड्रेड परसेंट हो जाता है तो पैरा इमाइनो हिप्यूरिक एसिड इसीलिए एक लो वैल्यू ऑफ़ द आरपीएफ देता है क्यों क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नाइन्टी परसेंट ऑफ द पैरा एमाइनो हिप्योरिक एसिड एक्सक्रीट होता है बाई द किडनीज तो एक्सट्रैक्शन रेशियो जो होता है वो इस पैरा इमाइनो हिप्यरिक एसिड के केस में पॉइंट नाइन है जिस वजह से जो ट्रू आर पी एफ होता है उसका फार्मूला होता है इफेक्टिव आर पी एफ अपॉन एक्सट्रैक्शन रेशियो मतलब जितने इफेक्टिव आ रहा है उसको एक्सट्रैक्शन रेशियो से डिवाइड कर देंगे हम लोग तो ट्रू आर पी एफ निकल जाएगा तो ट्रू आर पी एफ इस फॉर्मूला पे रखने पे हमारा आ जाता है सेवन हंड्रेड मिलीलीटर पर मिनट दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है दैट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है कि मतलब जितना भी ब्लड हमारे जितना भी ब्लड हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आ रहा है एक्चुअली में जितना भी प्लाज्मा हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आ रहा है उसमें से कितना फिल्टर हो रहा है उसी को फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं कितना फिल्टर हो रहा है उसका रेट क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना प्लाज्मा आ रहा है उसका रेट क्या होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो ये होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट अपॉन 625 मिलीलीटर पर मिनट तो इस तरह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाती है 20 परसेंट दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड तो ये हमने देखा क्लियरेंस का यूज़ करके कैसे जी एफ आर और आर बी एफ़ दैट इज़ रीनल प्लाज्मा फ्लो को हमने कैलकुलेट किया जी एफ आर के लिए हमने क्लियरेंस लिया इनुलिन का मेरे लिए लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच जो होता है वो प्लाज्मा क्रिएटन का होता है और हमने हमें जब रीनल प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट करना था तो हमने क्लियरेंस यूज़ किया किसका पैरा एमाइनो हिप्योरिक एसिड का तो हमारा इफेक्टिव आर पी एफ एफ ए नॉर्मल आर पी एफ जो आ जाता है वो सिक्स ट्वेंटी फाइव मिली लीटर पर मिनट आ गया तो ये था कंसेप्ट ऑफ क्लियरेंस इसके बाद हम लोग एक लास्ट छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ जीएफआर एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो सो नाउ कमिंग टू द फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द जीएफआर एंड आरपीएफ अभी तक जो हमने डिस्कस किया जीएफआर के अंदर उसका एक प्रैक्टिकल और क्लिनिकल अप्रोच है ये जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस अप्रोच को समझने से पहले हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी है या फिर एक चीज़ हमें पता है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं वो रीनल ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ करेंगे और जितने भी डायलिटेशन होंगे वो रीनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगे ऑबियस बात है कि अगर कोई भी ब्लड के अंदर कोई भी किडनी के अंदर कोई भी आर्टरी का अगर कंस्ट्रक्शन होगा चाहे वो ईफरेंट डार्टेरियल हो चाहे वो ईफरेंट डार्टेरियल हो चाहे वो, वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है किसी का भी अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज़ होगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ऑल कंस्ट्रक्शन डिक्रीजेज द रीनल ब्लड फ़्लो और कोई भी आर्टरी का जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट है दैट इज इफरेंट आटेरियल रेफरेंट आर्टेरियोल मेनली उनका अगर डायलिटेशन होगा और अगर डायलिटेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा जिसकी सॉरी रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा तो फिर ये याद करने ये अगर हमारे दिमाग में है तो आगे हम लोग क्लिनिकल क्लिनिकली ये चार सिचुएशंस को समझ सकते हैं ईजिली पहला केस होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द एफरेंट अटेरियल अगर एफरेंट अटेरियल जो कि उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए कैसे कंस्ट्रिक्ट होती है एफरेंट अटेरियल एपिनेफ्रीन नॉन एपीनेफ्रीन और एंडोथेलिन ये मेनली तीन चीज़ें होती हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ़ द एफरेंट अटेरियल को तो ये एफरेंट अटेरियल है ये हमारी ग्लोमेरल कैपेरी और ये हमारी ईफरेंट अटेरियल है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने एक नॉर्मल डायग्राम बनाया है जिसमें एफरेंट अटेरियल ग्लोमेरल कैपिलरीज और ईफेंट अटेरियल को दिखाया है अब एफरेंट आर्टिडोल का हो जाता है कंस्ट्रक्शन तो ऑब्वियसली बात है कि अगर एफरेट आर्टेडल का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा या रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा अब हम लोग को देखना है कि जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर एफरेंट अटीरियल का कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो ब्लड जो कि एफरेंट अटीरियल से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आनी है वो कम ब्लड आएगा और ब्लड कम आ रहा है इसका मतलब क्या होगा ब्लड मतलब फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर लगता है दैट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ़ द कैपिलरी वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी तो एक मात्र फेवरिंग फोर्स था जो कि जी एफ आर को के लिए रेस्पॉन्सिबल था तो ऑब्वियस ये बात है कि अगर पी सी कम हो जाएगा तो जी एफ आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज सेकेंड केस होता है दैट इज द डायलिटेशन ऑफ द एफरेंट आटेरियल याद रखना जरूरी है कि डायलिटेशन ऑफ द एफरंट आटेरियल मेनली ब्रेडिकाइनिन करता है और प्रोस्टक लैंडिन जिसमें मेनली प्रोस्टक लैंडिन ई होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है वन साइन एफ्रेन आटेरियल है ग्रोमरल कैपलरीज और एफरेंट आटेरियर है यहाँ पर एफ्रेन आटेरियल का हो गया है डायलटेशन और क्योंकि डायलिटेशन हो गया तो रेजिस्टेंस हो गया डिक्रीज मतलब रीनल ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा रीनल ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है अब क्योंकि डायलिटेशन हुआ है तो इफ्रेंट अटेरियल से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आने वाला ब्लड भी बढ़ गया है क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ गया हुआ है और रीनल ब्लड फ्लो अगर बढ़ गया हुआ है और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आने वाला ब्लड बढ़ गया है तो वही है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ़ द कैपिलरीज बढ़ गया है जिसकी वजह से जी एफ आर भी बढ़ जाएगा यह था दूसरा केस तीसरा केस हो जाएगा दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईफरेंट आटेरियल इफ्रेंट आटेरियल का कंस्ट्रक्शन करने का काम करते हैं एंजियोटेंसिन टू अब बन सके ये एफरेंट आटेरियल ग्लोमेरुलर कैपिलरी और इफ्रेंट आटीरियल है जिसमें ईफ्रेंट आटीरियल को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है तो सिंपल सी बात है कि कोई भी आर्टरी का कंस्ट्रक्शन होगा तो रीनल ब्लड फ्लो घट जाएगा क्यों घट जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ चुका है तो ये तो हम लोगों को पता है ना जी एफ आर का क्या होगा यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि इसके अंदर जी एफ आर जोता है वो बाई फेजिक रिस्पॉन्स देता है मतलब पहले जी एफ आर बढ़ेगा और फिर जी एफ आर घट जाएगा ऐसा क्यों होगा क्योंकि पहले तो हमने देखा कि जो ब्लड आ रहा था वो ब्लड आ रहा था लेकिन जो आउटफ्लो है ब्लड का वो कम हो गया है जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड एकूमुलेट करने लगेगा जिसकी वजह से यहाँ पे पी सी दट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इंक्रीज होगा जिसकी वजह से जी एफ आर इंक्रीज होगा तो पहला इंक्रीज तो समझ में आ गया लेकिन फॉलोड बाई डिक्रीज़ क्यों हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड एकूमलेट करता जाएगा तो ब्लड के साथ साथ प्रोटीन्स भी एकूमुलेट करेंगी और ये प्रोटीन्स होती है वो ओंकोटिक प्रेशर लगाता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का जो कि एक अपोजिंग फोर्स है और ऑंकोटिक प्रेशर दैट इज स्पाइसी बढ़ने लगता है दैट इज अपोजिंग फोर्स बढ़ने लगता है जिस वजह से लेटर में जी एफ आर डिक्रीज होने लगता है सो देर इज ए इनिशियल राइज इन जी एफ आर ड्यू टू द इंक्रीज इन पी सी एंड लेटर डिक्रीज इन द जी एफ आर ड्यू टू द इंक्रीज इन पाइसी तो ये था केस थ्री फोर्थ केस हम लोग डिस्कस करेंगे डायलिटेशन ऑफ द ईफरेंट आर्टेरियल मेनली एनिबीटर ये काम करते हैं जो ड्रग्स होते हैं ए सीनिबीटर के वो ईफ्रेंट आर्टेरियल का डायलिटेशन से वर्क करते हैं इफ्रेंट आर्टेरियल का अगर डायलिटेशन हो जाएगा कोई भी आर्टेरियल का अगर डायलिटेशन होगा तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा जिस वजह से रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा और साथ ही साथ हम लोग को पता है कि ईफरेंट आर्टेरियल का डायलिटेशन हो जाएगा तो ब्लड जो होगा उसका आउटफ्लो बढ़ जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जिस वजह से जी डिक्रीज़ हो जाएगा तो ये हमने मेनली बेसिक कंसेप्ट पढ़े जी एफ और हमने जी एफ पढ़ा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ द जी जिसमें हम लोग ऑटो रेगुलेशन पढ़ेंगे मायोजेनिक मैकेजम्स पढ़ेंगे ट्यूबलो ग्लोमेरुलर फीडबैक पढ़ेंगे तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने मेनली uh, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की क्विक रिवीजन अगर हमने हम लोग देखें तो हमें पता है कि रीनल ब्लड फ्लो की वैल्यू कितनी होती है इट इज़ वन टू फाइव जीरो दट इज ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी मिली लीटर पर मिनट अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो देखे तो वो कितना होता है दैट इज फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो विच इज इक्वल टू सिक्स ट्वेंटी फाइव मिली लीटर पर मिनट यस जी एफ आर कितना होता है जी एफ आर इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव मिली लीटर पर मिनट दैन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है यस दट इज इक्वल टू टेन मिली मीटर ऑफ मरकरी क्लियरेंस कितना होता है क्लियरेंस का वैल्यू कितना होता है क्लियरेंस का एक्चुअली में फॉर्मूला कितना होता है येस yes, ए क्या होता है तो क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है यू वी बाई पी वेर यू स्टैंड्स फॉर यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ द यूरिन एंड पी स्टैंड फॉर प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ओके अगर हम लोगों को जी कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को किसका क्लियरेंस देखना पड़ेगा इन्युल का अगर हम लोगों को रीनल प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट करना है तो किसका क्लियरेंस देखना पड़ेगा यस पैरामोप्य एसिड का अगर हम लोग को फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालना तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है यस जी एफ आर अपॉन आर पी एफ और इसकी वैल्यू कितनी होती है नॉर्मली ट्वेंटी परसेंट होती है ओके ट्रू रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है यस इट इज़ सेवन हंड्रेड मिलीलीटर पर मिनट क्यों क्योंकि इजेक्शन रेशियो जो होता है वो पैरामोप्योरिक एसिड का कितना होता है पॉइंट नाइन होता है सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड इफ यू वॉन्ट नोट्स फॉर सच फॉर फॉलोइंग वीडियोज़ यू कैन मैसेज मी ऑन माई instagram हैंडल लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो थैंक यू